हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन जीरो वन इन दिस क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट टू बॉयज बिगिन टुगेदर टू राइट आउट अ बुकलेट कंटेनिंग एट वन सेवन लाइन्स द फर्स्ट बॉय स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लाइन राइटिंग एट द रेट ऑफ टू हंड्रेड लाइन्स एन आर एंड द सेकेंड बॉय स्टार्ट्स विद द लास्ट लाइन्स एंड देन राइट्स लाइन एट वन सिक्सटीन एंड सो ऑन बैकवर्ड प्रोसीडिंग एट द रेट ऑफ हंड्रेड फिफ्टी लाइन्स एन आर एट वॉट लाइन विल दे मीट देखो क्या कह रहे हैं टोटल पेज लिखना है एट वन सेवन टू बॉयज हैं एक बी वन है और एक बी टू है अब एक की एफिशिएंसी हमें दिया हुआ है टू हंड्रेड लाइन्स पर आर और दूसरे की एफिशिएंसी है वन फिफ्टी लाइन्स पर आर ठीक है अगर इनके दोनों की एफिशिएंसी को हग, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं ये टू हंड्रेड लिखेगा तो ये वन फिफ्टी लिखेगा ये फोर लिखेगा तो ये कितना लिखेगा ये थ्री लिखेगा और ये वन पॉइंट थ्री थ्री लिखेगा तो ये कितना लिखेगा वन लिखेगा ये बहुत ही दोनों इफ़िशेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कैसे देखो अगर हम कंबाइन देखें तो ये पर यूनिट टाइम में कितना वर्क डन करेंगे दोनों सेवन से वन सो अगर हम एट टोटल वर्क डन एट वन सेवन को अगर हम सेवन से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा वन वन सिक्स और प्लस क्या फाइव

ट इंप्लाई अगर बी टू ने टू पेज लिखा है कंप्लीट किया है तो बीवन ने कितना कंप्लीट कर दिया है टू पॉइंट सिक्स कंप्लीट पेजेज कितना होगा बी वन फोर सिक्सटी फोर में टू कंप्लीट कर लेगा तो कितने पे पहुंच जाएगा फोर सिक्सटी सिक्स पे और बी टू कितने पे पहुंच जाएगा थ्री फिफ्टी पे अब ये जैसे ही आगे मूव करेगा तो वो पेज नंबर कौन सा होगा फोर सिक्सटी सेवन और उसका 0.66 पार्ट किसने लिख लिया था बीवन ने लिख लिया था तो ये दोनों मिलेंगे कब फोर सिक्स सेवेंथ पेज पे सो नो तो इस तरह के क्वेश्चन आप लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो